तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का रिजल्ट 1 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के अधिकतर बच्चे तो पास हो चुके हैं, मगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पूरी तरह से फेल कर दिया गया है या फिर उनको सप्ली दी गई है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूँ कि आपको सप्ली क्यों आई है या फिर आपको फेल क्यों किया गया है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सबको बहुत अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलेगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के बच्चों को अधिकतर को सप्लीमेंट्री क्यों दी गई है या फिर उनको फेल क्यों किया गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपने कॉपियों में खूब अच्छे से लिखा है। मेरे पास में भी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं MP के अलग अलग ज़िलों से। उनका कहना सिर्फ यही है कि सर हमने खूब कॉपी में अच्छे से लिखा था और खूब कॉपी में जो जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के उत्तर बिल्कुल एकदम सटीक दिए थे, मगर फिर भी हमें फेल कर दिया गया या फिर हमारे सप्लीमेंट्री आ गई। तो देखिएगा ऐसा क्यों किया गया, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है 6 मार्च से प्रारंभ हुई थी, जो कि आपकी 23 मार्च तक ली गई थी। यानी कि आपके पेपर 6 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च को लिए गए थे, ठीक है ना। इसी बीच में आपकी परीक्षा हुई थी, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि जब 1 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया गया तो इसमें कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में अधिकतर बच्चों को फेल कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं, मैं यहाँ पर आपको उन बच्चों की बात नहीं बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा। जो बिल्कुल भी लिख कर नहीं आए उनको तो फेल होना ही था, उनको तो फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना ये है कि सर हमने तो कॉपी में बहुत अच्छा लिखा था, सब कुछ अच्छी प्रकार से लिख कर आए थे, फिर भी टीचर ने हमें फेल कर दिया या फिर हमारे सप्लीमेंट्री दे दी। कुछ बच्चे तो ऐसे बच्चों ने भी हमें फ़ोन लगाया जो कि ये कह रहे थे कि सर हमारे 3मासिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए थे, अर्धवार्षिक में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे और हम बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, फिर भी हमें फेल कर दिया गया या फिर भी हमें सप्लीमेंट्री दे दी गई। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले मुझे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो ये कह रहे थे कि सर हमारे 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज थी मगर 11th में हमें फेल कर दिया गया। अब आप ही बताइए, जो बच्चा बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकता है वो 11th में आके किस प्रकार से फेल हो सकता है। तमाम तरह के सवाल हैं, आप इसका जवाब क्या है। तो देखिएगा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है कि शिक्षा विभाग ने आनंद फानंद में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के लिए आपके रिजल्ट को जारी किया है। आप स्वयं थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि 23 मार्च को आपकी परीक्षाएं पूरी हुई थी, कब हुई थी, 23 मार्च 2024 को आपकी परीक्षाएं पूरी हुई थी और 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि आपकी कॉपियों को चेक होने में कुल केवल 8 दिन का समय लगा। 8 या 9 दिन में आपकी लाखों विद्यार्थियों की कॉपियों को टीचरों ने चेक कर दिया। अब आप स्वयं सोचिएगा कि इतना जल्दी कॉपियों को चेक किस प्रकार से किया होगा टीचरों ने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई भी टीचर है अपने एक ही हाथ से कॉपी को चेक करता है, उसके कई 10 हाथ नहीं होते हैं। और कॉपी को चेक करने में, एक कॉपी को नॉर्मली जब मैं भी चेक करता हूँ कॉपी को, तो एक कॉपी को नॉर्मली चेक करने में 3 से लेकर 5 मिनट तक का समय लगता है, ठीक है ना। मगर जब ऊपर से प्रेशर होता है शिक्षा विभाग का कि नहीं भैया हमें 1 अप्रैल तक रिजल्ट जारी करना है हर हाल में, इसलिए आप जल्दी से कॉपियों को चेक करें। अब जल्दबाजी में कुछ ऐसा होता है कि टीचर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है, कॉपी में जो लिखा है उसको वो नहीं पढ़ पाता है और फिर आनंद फानंद में वो एवरेज नंबर देता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा भी हुआ कि उनकी कॉपियों को सही से चेक नहीं किया गया, इस वजह से भी उनको फेल का सामना करना पड़ा या फिर वो फेल हो गए। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा था खूब अच्छे से मगर फिर भी वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए बेटा आप, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कॉपी को टीचर ने बिल्कुल अच्छे से नहीं देखा। यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आप स्वयं लॉजिक लगाइए इस बात को। कोई काम, आप सब लोगों को पता है कि MP बोर्ड की परीक्षाएं जो हुई थी 10वीं और 12वीं की, फरवरी में उन परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 1 महीने बाद भी जारी नहीं हुआ, जबकि आपका रिजल्ट 8 दिन बाद ही आ गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपकी कॉपियों को कितनी अच्छे से चेक किया गया होगा। तो मैं तो यहाँ पर सरासर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरासर जिसने भी आपकी कॉपियों को चेक किया, चाहे वो शिक्षा विभाग की गलती हो या टीचरों की गलती हो, सरासर आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है। खासकर ऐसे बच्चों का तो मैं कोई पक्ष नहीं लूँगा जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, उनको तो फेल किया जाना था, मगर कुछ ऐसे बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं जिन्होंने खूब अच्छे से लिखा था फिर भी उनको फेल कर दिया गया। तो देखो इसके लिए तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ जिन लोगों ने कॉपियों को अच्छे से चेक नहीं किया है।
ठीक है ना। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, यहाँ पर एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अब तो बस आपका ये हो सकता है कि आप लोग ये कीजिएगा कि आप जिसके सप्लीमेंट्री दी गई वो लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग सप्लीमेंट्री की परीक्षा दे लो, जिससे कि आप लोग पास हो जाओ। अब जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि फेल कर दिया गया है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो देखिएगा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि अब जो भी हुआ ठीक है, मगर अब आपको ये करना है कि अब आपको अगली कक्षा में कक्षा नवी वाले बच्चे का कक्षा दसवीं का फॉर्म प्राइवेट डाल के पास कर सकते हैं, इससे आपका साल ख़राब नहीं होगा। और कक्षा ग्यारहवीं वाले प्राइवेट फॉर्म डाल के बारहवीं पास कर सकते हैं, इससे आपका साल ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके टीचर भी क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि जो हुआ आनंद फानंद में आपके रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। अब इसमें कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी पता है आगे चुनाव आने वाले हैं, अब इतनी लाखों कॉपियों को दोबारा से रीचेक भी नहीं किया जा सकता है। और अगर आप रीचेक अगर होती है कॉपी तो आप लोग करवा सकते हो, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल नज़र आया होगा, और आप सभी को बस मैं यही सलाह दूंगा कि अब थोड़ा सा धैर्य से काम लो, जो भी हुआ ठीक है, अब अपनी अगली कक्षा की तैयारी में लग जाओ। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।